कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए कई दल अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद पार्टियों में भगदड़ मच गई। कई नेता पाला बदलने में लगे हैं। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का नाम काफी चर्चा में है। लक्ष्मण सावदी शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार के साथ बुधवार को कांग्रेस नेताओं की मुलाकात के बाद गुरुवार शाम शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम सब एकजुट हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती पर आज मऊ में राजनीतिक दलों के प्रमुखों का जमावड़ा लगा रहा। सबसे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ स्मारक स्थल पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावत ने माल्यार्पण किया और फिर उसके बाद राज्यपाल मंगूबाई पटेल और सीएम शिवराज बाबा साहेब की जन्मस्थली पहुंचे। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए ये खुश कर देने वाली खबर है। अब बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों की यात्रा वायुमान से कराई जाएगी। इसकी शुरुआत 21 मई से होगी। धार्मिक न्यास और धर्मस्व के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि आगामी 21 मई से 19 जुलाई तक योजना 15 जिलों के तीर्थ यात्री वायुमान से यात्रा करेंगे। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के श्रद्धालु प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर की यात्राएं वायुमान से करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में नर्मदा नदी के पानी पर सफेद साड़ी पहने हुए एक वृद्ध महिला के चलने का दावा किया जा रहा था। वीडियो में महिला नदी के पानी पर चलती हुई नजर आ रही है, मगर उसके पंजे पानी में डूबे हुए हैं। लोगों ने उस महिला को नर्मदा देवी मानते हुए पूजन भी शुरू कर दिया है। वहीं अब अपने घर पहुंचकर महिला ने दरबार लगाना शुरू कर दिया है। जबलपुर में पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम रुद्राचार्य ने कहा कि श्री राम ने सीमा बढ़ाने में विश्वास किया, सीमा घटाने में विश्वास नहीं किया। हम अखंड भारत चाह रहे थे, किंतु भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने देश का बंटवारा मजहब के आधार पर करवा दिया। स्वतंत्रता के पश्चात यदि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होता तो जातिवाद कभी नहीं आता। इसके साथ में उन्होंने कहा कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। फसल कटाई के बाद इंदौर जिले में पिछले कुछ दिनों से फसल कटाई के बाद खेत में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अधिकांश किसान दिन में तो कुछ रात के अंधेरे में खेतों में पराली जला रहे हैं। इसके कारण इंदौर के प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि इंदौर शहर के कई छतों व बरामदों, गैलरी व सड़कों पर पराली जलाने के बाद राख के कण उड़कर पहुंच रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में रोमांचक मुकाबले का दौर जारी है। गुरुवार रात भी मैच का नतीजा आखिरी ओवर में आया, जब राहुल तेवतिया ने चौका मारकर अपनी टीम गुजरात को पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दिलाई। टॉस गवाकर पहले बैटिंग करते हुए पंजाब किंग्स 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। जवाब में गुजरात आसानी से जीत की ओर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन आखिरी दो ओवर में मैच का रुख पलटा। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने एक फाइनेंसर के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शर्लिन ने उस शख्स पर छेड़छाड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शर्लिन ने कंप्लेन में दावा किया है कि आरोपी ने पैसे देने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की। अभिनेता सलमान खान का नाम उनके साथ काम करने वाली नई एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के साथ जोड़ा जा रहा है। यह फिल्म किसी का भाई किसी की जान में उनके अपोजिट नजर आएंगी। इन दोनों के डेटिंग के चर्चे भी खूब है। पूजा हेगड़े ने आखिरकार सलमान खान को डेट करने की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है। सलमान और पूजा हेगड़े की डेटिंग अफवाहें कुछ महीने पहले ही शुरू हुई थी। किसी को भाई किसी का जान को रिलीज से पहले पूजा ने कहा कि वह सिंगल है और करियर उनकी प्राथमिकता है।